देश में कोरोना का कहर जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की मौत हो गई और 1,336 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 18,601 हो गई है। वहीं अब तक 590 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक 1,70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नेबारो ने कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका वैक्सीन खोज ही लिया जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूके ऑब्जर्वर को दिए इंटरव्यू में नेबारो ने कहा, खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है और हमें इस वायरस के साथ ही जीने के तरीके खोजने होंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले पुरुषों में अधिक सामने आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह महिलाओं में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है ACE2 प्रोटीन, जो पुरुषों में ज्यादा होता है। कोरोना भी कुछ इसी तरह का प्रोटीन है। इसके अलावा पुरुषों में सफाई की खराब आदतें, स्मोकिंग और लाइफस्टाइल डिसीज इस संक्रमण को बढ़ाती है। देश के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपति भवन और लोकसभा सचिवालय को भी कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक तरफ राष्ट्रपति भवन से जुड़े शख्स में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद परिसर में रहने वाले 125 लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। वहीं लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। एक ओर दुनिया भर में कोरोना कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक किम जोंग की बीते दिनों दिल की सर्जरी हुई थी, जो सफल नहीं रही। अमेरिकी मीडिया में किम जोंग उन के ब्रेन डेड होने की भी अटकलें तेज हो गई है। अमेरिकी क्रूड के लिए मंगलवार का दिन बेहद अमंगल साबित हुआ। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑयल की कीमतें गिरकर $0 प्रति बैरल पर आ गई थी। ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिकी क्रूड ऑयल का भाव इस स्तर तक नीचे आ गया। इससे अमेरिकी ऑयल कंपनियों को प्रोडक्शन बंद करना पड़ सकता है, लिहाजा उनके दिवालिया होने का खतरा भी मंडरा रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारी पीटर नवारो कहा ने कहा है कि चीन ने वायरस की जानकारी इसलिए छिपाई क्योंकि उसी वक्त वह पूरी दुनिया से मास्क और पीपीई किट खरीद कर जमा कर रहा था। सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में चीन ने अमेरिका से 18 गुना अधिक मास्क खरीदे थे। अब वो उसे पूरी दुनिया में महंगे दामों में बेच रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नैनो मंत्रिमंडल का गठन मंगलवार को हो गया। राजभवन में 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क की एक रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी कंपनी के जुटाए गए डेटा की माने तो पाकिस्तान ने अपनी टेरर वॉच लिस्ट से हजारों आतंकियों के नाम हटा दिए हैं। इसमें 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्करे तैयबा का कमांडर जकी उर रहमान लखवी का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में है।